ज्योतिष, तंत्र और टोटकों के अनूठे संयोजन से उपजी लाल किताब किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने का सबसे आसान और सुलभ साधन है। लाल किताब में बताए गए टोटके आजमा कर जीवन में आ रही अनेक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप पैसों की समस्या से परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, बेटी की शादी में देरी हो रही है, अचानक आप पर किसी प्रकार का संकट आ जाता है, तो लाल किताब के कौन से अचूक और सिद्ध टोटके आजमाए जा सकते हैं? आइए बताते हैं आपको लाल किताब के सटीक और चमत्कारी टोटके। लाल किताब के वो सटीक उपाय जिसके जरिए आप अपनी आर्थिक समस्याओं को सुधार सकते हैं कि आप 21 शुक्रवार तक 9 साल से कम आयु की 5 कन्याओं को ज्यादातर खीर और मिश्री का यदि प्रसाद बांटते हैं तो आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए शुक्रवार का दिन 21 शुक्रवार तक यदि कर लेते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। तो ये सटीक उपाय जरूर करिए, इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। अब हम अपना लाल किताब का एक दूसरा सटीक उपाय जिससे जो है आपके घर में और कार्यस्थल में धन की वर्षा हो, जी हाँ, वो दूसरा लाल किताब का सटीक उपाय ये है कि आप अपने दुकान और शोरूम में एक मछली घर बना लीजिए, जिसमें 8 सुनहरी और 1 काली मछली उसमें रख दीजिए। इसके साथ ही उसको रखना कहाँ है? उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ। इस मछली का पालन जहाँ जो मछली घर है, जो आपने फिश एक्वेरियम है, उसको रख दीजिए। अब इसके बाद आपने क्या है, यदि उसमें कोई ऐसा लगता है मछली मर गई हो तो तुरंत ही उसी दिन उसी कलर की मछली को उसमें डाल देना है। इससे क्या होगा, उस मछली को डालने से क्या है, पूरी की पूरी जो हमने 8 सुनहरी और 1 काली मछली बोली है, ये आपके घर की और साथ ही व्यापार स्थल की जो आर्थिक समस्या है उसको दूर करती है। तो आपकी जो मछली मरती है वो आपकी जो समस्याएं हैं उसको लेके अपने ऊपर अगर मर जाती है तो दूसरी डाल देंगे, समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, इससे आपके वहां धन की और भी ज्यादा वृद्धि होगी। तो ये था लाल किताब का दूसरा सटीक उपाय। लाल किताब का तीसरा उपाय, यदि परेशानियों से चाहते हैं मुक्ति तो उसके लिए खास उपाय, सटीक उपाय यह है कि आजकल देखते हैं हर आदमी परेशान है, कोई ना कोई परेशानी रहती है। तब आपने क्या करना है कि एक तांबे के पात्र में आपने जल भर लेना, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए, उस पात्र को सिरहाने रख लीजिए और सुबह जब आप उठते हैं तो जल को उठाकर तुलसी के पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि जितनी नकारात्मक चीजें हैं वो उस जल में आ जाती हैं, आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। लाल किताब का हमारा सटीक चौथा उपाय, जी हाँ, चौथा उपाय हमारा ये है, यदि बेटी की शादी में कोई रुकावट आ रही हो, परेशानी आ रही हो, तब आप क्या करें, पूजा वाले आप 5 नारियल ले लीजिएगा, जटा वाला जो 5 नारियल आप ले लेते हैं, भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के सामने जाकर आपने ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः ये बोलते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए 5 माला कर लीजिए, और इसके बाद इस जटा वाले नारियल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में या फिर मंदिर के कोई फोटो हो या तस्वीर हो वहां पर जाके चढ़ा दीजिए, इससे शादी में आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। लाल किताब का हमारा पांचवा उपाय, जी हाँ, पांचवा उपाय, सटीक उपाय ये है कि यदि आप देखते हैं कि हमारी दुकान में कोई परेशानी आ रही है, व्यापार बढ़ नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तब आप क्या करेंगे, करना यह है, शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दोनों दरवाजे की तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए, और गेहूं का आटा जब डालें तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये काम करते हुए कोई देखे ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये देखेंगे आपके व्यापार में आने वाली समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, लाल किताब के जबरदस्त टोटकों को जरूर आजमाएं और अपनी जिंदगी में सुख और शांति दोनों लेकर आएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक भी एस्ट्रोटक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।